हेलो एवरीवन। एक सेक्शन हम और कवर कर रहे हैं आपका, अगला सेक्शन कैपिटल गेन्स चैप्टर का, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। अच्छा, किस चीज़ के बारे में है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 हमने डिस्कस करना है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। चलो आ जाओ एग्जाम्पल। देखो, ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए के पास एक लैंड था जो उसने परचेज किया था 2004-2005 में 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो एक लैंड था मिस्टर ए के पास जो उसने 4-5 में 5 लाख का परचेज किया था। अब हुआ क्या, जरा देखना। जो गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। और हॉस्पिटल बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? लैंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, मिस्टर ए के इस लैंड को कर लिया कंपल्सरली एक्वायर। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के इस लैंड को कंपल्सरली क्या कर लिया? एक्वायर, ठीक है, खरीद लिया। कौन से ईयर में खरीदा? इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के लैंड को कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, कौन से ईयर में? 2015-2016 में। अच्छा, अब आगे क्या हुआ देखना। अब आपने ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 आपने पढ़ा हुआ है और आपको याद होगा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असेट, उसे ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। तो इस कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन ट्रांसफर है, कौन से ईयर का? 15-16 का। लेकिन याद रखना, कैपिटल गेन अराइज 15-16 में नहीं होता है। कैपिटल गेन अराइज उस साल करता है जिस साल में गवर्नमेंट से हमें कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। अब सुनो, गवर्नमेंट ने आपका लैंड खरीदा तो बदले में गवर्नमेंट आपको क्या पे करेगी? कॉम्पनसेशन। सपोज मैं कहता हूं कॉम्पनसेशन पेड इन 2017-18, कितने रुपए का कॉम्पनसेशन? 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने हमको पे करा 17-18 में। तो अब देखने वाली बातें दो क्या आती हैं, सुनो। कैपिटल गेन अराइज कौन से साल करेगा? जिस साल में कॉम्पनसेशन मिला, यानी 17-18 में। तो याद रखना, कैपिटल गेन विल अराइज इन प्रीवियस ईयर 17-18। तो कैपिटल गेन तो अराइज करेगा 17-18 में, लेकिन इसे ट्रांसफर 17-18 का नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ये कौन से साल का होगा? जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, यानी 15-16। चलो दो बातें पहले लिखो, कैपिटल गेन विल अराइज इन द ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, दैट इज 17-18। तो कैपिटल गेन तो अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको गवर्नमेंट से क्या मिला है? कॉम्पनसेशन। हाउएवर ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? ट्रांसफर विल बी ऑफ
प्रीवियस ईयर 15-16, दैट इज ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, ट्रांसफर उस साल का है, लेकिन कैपिटल गेन अराइज उस साल नहीं करेगा। कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो एक बार मुझे दोबारा बता दो, कैपिटल गेन अराइज कौन से साल करेगा? कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको गवर्नमेंट से क्या मिला है, कॉम्पनसेशन। ठीक है, हाउएवर इसे ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? ट्रांसफर उस साल का होगा जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। चलो एक बार निकालते हैं, जरा बनाना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। दोबारा बताओ, कैपिटल गेन अराइज कौन से साल करेगा? जिस साल में कॉम्पनसेशन मिला है, मतलब 17-18 में आएगा। सबसे पहले क्या आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना कॉम्पनसेशन मिला आपको? 20 लाख रुपए का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो 4-5 में खरीदा था, और ट्रांसफर कौन से साल में हुआ है? 15-16 में ट्रांसफर हुआ है, तो मोर देन 24 मंथ्स हैं लॉन्ग टर्म। तो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 5 लाख इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब 15-16 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर हम देखें तो ये है 254 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 4-5 का, और 4-5 का 113। अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाता है आपका 5 लाख इंटू 254 डिवाइड बाय 113, 1123894, 11,23,894। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 876106, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो हमें ना फिलहाल ध्यान से सुनना, मेरी फिलहाल हमें दो बात क्लियर हो गई। अगर गवर्नमेंट आपके किसी कैपिटल असेट को क्या करती है, कंपल्सरली एक्वायर, तो कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको कॉम्पनसेशन मिला है, लेकिन ट्रांसफर उस साल का माना जाएगा जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, दैट इज 15-16। ठीक है, चलो यहां तक हमारा काम खत्म हुआ। अब मैं आपको कुछ और जरा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, नोट लिखना, नोट। पता आप कई बार क्या होता है, कई बार ना गवर्नमेंट जो हमें कंपनसेशन देती है ना, जैसे इस केस में कितना कंपनसेशन दिया है, 20 लाख रुपए का, कई बार वो कंपनसेशन ना हमें किश्तों में मिलता है। किश्तों में, जैसे सपोज 20 लाख आपको दो किश्तों में मिला, 20 में से 12 लाख तो मिला 17-18 में, और 8 लाख रुपए आपको मिला से अगले साल 18-19 में। तो मैंने आपको क्या कहा, इफ कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, इफ कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, उस केस में क्या होगा? अच्छा, मैंने जैसे एग्जांपल में क्या कहा, अज्यूम 17-18 में आपको 12 लाख रुपए का मिला, और 18-19 में आपको कॉम्पनसेशन मिला 8 लाख रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया, 20 लाख। अब सोच के देखो, कॉम्पनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, तो क्या कैपिटल गेन अराइज भी इंस्टॉलमेंट्स में होगा क्या? मतलब इस पे तो जो कैपिटल गेन आएगा वो 17-18 में आएगा,
और इस पे कैपिटल गेन 18-19 में आएगा क्या? ऐसे होगा? सोच के देखो, ऐसा ना अगर आप करना चाहो भी तो ऐसा आप कर नहीं पाओगे, सोच के देखो क्यों। सुनो, दिक्कत पता है आपको क्या आएगी, जब आप इस 12 लाख पे कैपिटल गेन्स निकालोगे ना, और जब इस 8 लाख पे कैपिटल गेन निकालोगे, तो आप ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 5 लाख को कैसे बांटोगे? भाई कंपनसेशन को तो आपने बांट दिया दो पार्ट में, 12 लाख मिला 17-18 में, 8 लाख मिला 18-19 में, कंपनसेशन को तो बांट दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे बांटोगे? उसे आप थोड़ी ना दो पार्ट्स में बांट पाओगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा, ऑल दो कॉम्पनसेशन आपको किश्तों में मिला है, लेकिन पूरे पे कैपिटल गेन, पूरे 20 लाख पे कैपिटल गेन उस साल में आएगा जिस साल पहली इंस्टॉलमेंट मिली। और मुझे बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से साल में मिली? 17-18 में। तो याद रखना, पूरे 20 लाख पे कैपिटल गेन 8,76,106 कौन से साल में आएगा? जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली। यानी मुझे एक बात क्लियर हो गई, पूरा 20 लाख 17-18 में आए, या दो किश्तों में आए 17-18 में, 12-18-19 में, 8, दोनों में से कोई भी आए, आपको पूरे 20 लाख पे कैपिटल गेन 8,76,106 का कौन से साल में आएगा? 17-18 में ही आएगा। तो सुनो, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अगला एक नोट लिखना जरा मेरे साथ साथ, लिखो इसके नीचे लिखो, इफ इफ कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, देन एंटायर कैपिटल गेन शैल अराइज इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। तो गवर्नमेंट ने यह बात बहुत क्लियर कर दी है कि अगर आपको कॉम्पनसेशन एक साथ नहीं मिलता है, बल्कि किश्तों में मिलता है, तो उस केस में पूरा कैपिटल गेन उसी साल में आएगा जिस साल में आपको पहली किश्त मिली है। और मुझे पहली किश्त 17-18 में मिली, तो पूरा कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा? 17-18 में। तो देयरफॉर कैपिटल गेन टैक्सेबल कौन से साल में होगा? इन 17-18। कितना कितना आया था? 8,76,106। तो याद रखना, कैपिटल गेन किश्तों में मिले या कैपिटल गेन एक साथ मिले, पूरा कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होगा? 17-18 में, 8,76,106। चलो, ये तो हो गया नोट नंबर वन। अब बात करते हैं नोट नंबर टू। पता अब होता क्या है, कई बार ना जो असेसी होता है वो गवर्नमेंट के दिए हुए कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ठीक है? आप सुनना, गवर्नमेंट ने बताओ उसे कंपनसेशन कितना दिया था? 20 लाख रुपए का। लेकिन ना वो गवर्नमेंट के दिए हुए कंपनसेशन से, 20 लाख से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो चाहे तो कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकता है, केस कर सकता है। तो उसने केस कर दिया गवर्नमेंट पे, ठीक है? सपोज कौन से साल में कॉम्पनसेशन मिला था? 17-18 में। तो उसने 17-18 में कोर्ट में गया और उसने गवर्नमेंट के ऊपर क्या फाइल कर दिया? केस। सुनो, उसने कोर्ट से कहा कि भैया मेरे लैंड की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए थोड़ी ना, मेरे लैंड की मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है, और गवर्नमेंट ने मुझे कंपनसेशन सिर्फ कितना दिया? 20 लाख। तो आप लोग
हमें गवर्नमेंट से, मुझे गवर्नमेंट से एडिशनल कॉम्पनसेशन दिलवाओ। कितने का? 5 लाख रुपए का हमें क्या दिलवाओ? एडिशनल कॉम्पनसेशन दिलवाओ आप गवर्नमेंट से। चलो अब आपको अच्छी तरह पता है कोर्ट का काम है, अपने समय पे ही होगा, टाइम लगता है। कोर्ट का ऑर्डर 1920 में आया, ठीक है, और कोर्ट ने कहा कि हम आपको एडिशनल कंपनसेशन देंगे 5 लाख रुपए का। यानी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि गवर्नमेंट आपको एडिशनल कंपनसेशन देगी 5 लाख रुपए का, ठीक है। इसे हम ना एडिशनल कंपनसेशन के जगह एक और नाम दे सकते हैं, एनहैंस्ड कॉम्पनसेशन। तो मुझे बताओ, मैं मिस्टर ए हूं, मुझे गवर्नमेंट से 19-20 में एनहैंस्ड कंपनसेशन मिलेगा 5 लाख का, ठीक है। सुनो, गवर्नमेंट ने अब एक बात और क्या कही, गवर्नमेंट ने एक बात कही कि भैया एक बात याद रखियो, अगर तुझे ये एनहैंस्ड कंपनसेशन 19-20 में ना मिला होता, बल्कि 17-18 में ही तुझे 20 की जगह 25 मिल गया होता, तो तेरा जो कैपिटल गेन कंप्यूट होता वो 25 लाख पे कंप्यूट होता। तो याद रखियो, तुझे जो ये एडिशनल कंपनसेशन मिला है ना 5 लाख का, इस पे क्या देना पड़ेगा तुझे? टैक्स देना पड़ेगा। तेरे हैंड में क्या अराइज करेगा? कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ ए ऑन एनहैंस्ड कंपनसेशन। तो एनहैंस्ड कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन आएगा तुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब उसने कहा कि कैपिटल गेन कैसे निकालना है, देखो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। अब मुझे बताओ ये वाला कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा? 19-20 में ये आएगा, 19-20 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ कितना कॉम्पनसेशन मिला? 5 लाख माइनस, सुनना बात माइनस। अच्छा अब एक बार बताओ, सुनो एक बार बताओ, क्या यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होंगे या नहीं? इन तीनों में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, ना यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, ना यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, ना यहां पर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आएंगे। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं एक बात बताऊं, मेरे को बताओ इनका बेनिफिट आप एक बार लोगे या बार बार लोगे? भाई एक ही बार तो मिलेगा ना, इनका बेनिफिट आपको एक ही बार मिलेगा। और इनका बेनिफिट एक बार ऑलरेडी मिल चुका है, कब? जब आपने ये वाला कैपिटल गेन क्या किया था कैलकुलेट, ये देखो मिल नहीं चुका आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट। तो मेरे को एक बार बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हमें इन चीजों का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है 17-18 में, तो दोबारा से इनका बेनिफिट आपको 1920 में गवर्नमेंट नहीं देगी। हां गवर्नमेंट ने लेकिन एक बात कही, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने केस फाइल करने में कोई लीगल एक्सपेंसेस वगैरह इंकर करे हैं ना, तो उनका डिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो अगर आपने क्या इंकर करने है? कोई लीगल एक्सपेंसेस, सपोज मिस्टर ए ने 5000 रुपए के लीगल एक्सपेंसेस इंकर करे हैं, तो उनका डिडक्शन गवर्नमेंट दे देगी। तो कितना कैपिटल गेन आ जाएगा? 4,95,000। तो याद रखना इनका डिडक्शन अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका डिडक्शन ऑलरेडी आपको मिल चुका है 17-18 में, जो कैपिटल गेन आपने कंप्यूट किया था वहां पर। अब क्योंकि ऑलरेडी 17-18 में ले चुके हो, तो 19-20 में आपको इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउएवर
लीगल एक्सपेंसेस अगर आपने कोई इंकर करे हैं ये केस फाइल करने में, तो उनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है। और लास्ट बात, ये जो कैपिटल गेन आया ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पता क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा ओरिजिनल कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है ना तो ये वाला कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म होगा, और अगर ओरिजिनल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो ये वाला कैपिटल गेन भी शॉर्ट टर्म होगा। तो ओरिजिनल क्या था, लॉन्ग टर्म था ना, तो बताओ फिर ये वाला कैपिटल गेन भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म। और टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा, 1920 में ये कैपिटल गेन क्या होगा आपका, टैक्सेबल। ठीक है, तो पता है अभी इसमें आपने एक बात नोटिस करी, इस पूरे केस में हमें गवर्नमेंट से ना दो कॉम्पनसेशन मिले। एक तो मिला 20 लाख का, पता है मैं इस 20 लाख के कॉम्पनसेशन को क्या नाम देता हूं इस टॉपिक में, इनिशियल कॉम्पनसेशन, या आप कह सकते हो ओरिजिनल कॉम्पनसेशन हमें कितना मिला, 20 लाख का। तो एक कैपिटल गेन तो आएगा इनिशियल कॉम्पनसेशन पे, और दूसरा कैपिटल गेन तब आएगा जब आपको गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, एनहेंस्ड कंपनसेशन। तो याद रखना इस वाले टॉपिक में हमेशा दो कैपिटल गेन आएंगे, एक कैपिटल गेन तो आएगा ऑन रिसिप्ट ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन, और दूसरा कैपिटल गेन आएगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन। ठीक है, चलो ये आपका हो गया सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। एक बार नोट कर लो सर, मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आओगे जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 17, देखो जरा। उसने कहा है आर एक्वायर्ड एग्रीकल्चरल लैंड इन दिल्ली ऑन 15 मई 1992 फॉर 4 लाख, द लैंड इज कंपल्सरली एक्वायर्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 15 अप्रैल 2002 and the compensation was fixed at 25 lakh. Rupees 10 lakh was received by R on 15 Jan 2004 and balance on 6th April 2004. R was not satisfied with the compensation and filed a suit in court. Compensation was enhanced by Rupees 5 lakh which was received on 25th March 19. Compute कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। चलो मेरी बात सुनना सर ध्यान से, मुझे एक बार बताओ गवर्नमेंट ने उसका लैंड कौन से ईयर में कंपल्सरली एक्वायर करा, 15 अप्रैल 2002 को एक्वायर करा, मतलब 2002-2003 में उसका लैंड एक्वायर हो रहा है, तो ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा, 2-3 का ट्रांसफर माना जाएगा ये। However, कैपिटल गेन अराइज 2-3 में नहीं करेगा, कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल कॉम्पनसेशन मिला। कॉम्पनसेशन है 25 लाख का और दो किश्तों में मिला, 10 लाख रुपए तो मिला 3-4 में और बचा हुआ 15 लाख रुपए मिला 4-5 में, तो कौन से साल में कैपिटल गेन आएगा, जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली, मतलब 3-4। तो बनाओ जरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा, 3-4 में, जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना कॉम्पनसेशन है, 25 लाख रुपए का माइनस। अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करता है ये लैंड लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो खरीदा था 92-93 में और ट्रांसफर कौन से साल में हुआ, 2-3 में ट्रांसफर हुआ है, तो मोर देन 24 मंथ्स है, लॉन्ग टर्म माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुनना ध्यान से, अच्छा इंडेक्स तो बात की बात है, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, और क्योंकि ये लैंड 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है
तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, ये ना मिसिंग है, लिख लेना लिख लेना, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज रुपीज 8 लाख, इज रुपीज 8 लाख, ये लिख लेना। तो अब बताओ मेरे को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 8 लाख हायर आ गया इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा, जिस साल में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, 2-3 में, 2-3 का है 105 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कौन से साल में हुआ था, 92-93 में, तो 92-93 का तो कोई है नहीं, तो 2001-2002 का ले लेंगे 100, तो 8 लाख इंटू 105 डिवाइड बाय 100, 8,40,000। लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 16,60,000। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, जो आर था वो अपने कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं था और उसने कोर्ट में केस फाइल करा, कोर्ट ने आपको 5 लाख रुपए का एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन दिया, कौन से साल में, 18-19 में, तो दूसरा कैपिटल गेन राइज करेगा 18-19 में। बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन 18-19 की, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का एनहेंस्ड कंपनसेशन माइनस, याद रखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, किसी का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ले चुका हूं। सिर्फ कौन से चीज का डिडक्शन मिलेगा, लीगल एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिलेगा बस, अगर कोई इंकर करे हैं तो। पता ना कोर्ट केस फाइल करने में हमने कोई लीगल एक्सपेंसेस इंकर करे क्या, नहीं, तो कोई डिडक्शन नहीं। कितना आ गया कैपिटल गेन, 5 लाख, और याद रखना ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, तो ये कैपिटल गेन भी आपका लॉन्ग टर्म ही होगा। ठीक है, चलो अब आओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, व्हाट शैल बी योर आंसर इफ द एंटायर ओरिजिनल कंपनसेशन ऑफ 25 लाख वॉज रिसीव्ड ऑन 6 अप्रैल। मतलब वो ये कह रहा है, मान के चलो कि 25 लाख का इनिशियल कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मिला, बल्कि पूरा 25 लाख एक साथ मिला है 2004-2005 में, तो उस केस में बी पार्ट, कौन से साल में कैपिटल गेन आएगा, 4-5 में, जिस साल कॉम्पनसेशन मिला, तो 2004-2005 में कैपिटल गेन आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, 25 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही रहेगी 8 लाख, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर कौन से साल का है, वही सेम 2-3 का ही ट्रांसफर है, और 2-3 का वही है 105 डिवाइड बाय 100, तो 8,40,000, तो आंसर तो वही रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 16,60,000। लेकिन बताओ कि डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये 16,60,000 टैक्सेबल होगा 3-4 में, जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली, और दूसरे केस में ये 16,60,000 टैक्सेबल होगा 4-5 में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चल बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।